दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों जैसे आपको पता है, मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नए नए वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों आज मैं एक्यूप्रेशर जो पद्धति है उसके बारे में, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। हमें दोस्तों ये अपने हाथों की दसों उंगलियों को अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो दोस्तों ये हमारे फुल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। एक्यूप्रेशर करने का तरीका क्या है, कैसे एक्यूप्रेशर करना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। तो इसके लिए स्टार्टिंग कैसे करते हैं, जरा ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे हमारा अंगूठा है, जैसे दोस्तों यहाँ से कम चाहे तो ऐसे या फिर ऐसे 10 बार दबाना है। ध्यान से देखिए, फिर यहां से दूसरी उंगली को, फिर ये तीसरी उंगली, 5 से 10 बार, एक्यूप्राइज करनी है। एक्यूप्राइज का मतलब दबाव, हिंदी में दबाव, 5 से 10 बार दबानी है। फिर ये चौथी उंगली, पांच से दस बार। फिर ये हमारी कनिष्ठा या कन की उंगली से बोलते हैं, इसे 5 से 10 बार दबाना है। फिर दोस्तों दूसरे हाथ की उंगलियों को भी ऐसे ही एक्सरसाइज करना है। पहले अंगूठा 5 से 10 बार, फिर दूसरी उंगली 5 से 10 बार, फिर तीसरी उंगली 5 से 10 बार, फिर चौथी उंगली 5 से 10 बार, फिर ये कनिष्ठा या कन की उंगली 5 से 10 बार। दोस्तों अगर हम ऐसे एक्यूप्राइज अपने दसों उंगलियों को, दसों हाथों की जो उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, एक्यूप्राइज करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों हमारे हाथों की हथेलियों में जो ये उठी हुई हथेली आप देख रहे होंगे, ये दोनों हाथों में उठी हुई होती है, ये जितनी भी उठी, जैसे हम अतिरिक्त ये भी एक्यूप्रेशर पद्धति का ही एक रूप है। ये साइंटिफिक रूप से हमारे यहाँ नमस्कार करना, हथेली बजाना, ये साइंटिस्टों ने भी माना है कि इससे शरीर को बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों अब हम हार्ट के लिए, पेट के लिए, किडनी के लिए, अपने लंग्स के लिए, अपनी आंतों के लिए, दोस्तों ये जितना भी हमारा दोनों हाथों का ये हिस्सा उठा हुआ है, उभरा हुआ हिस्सा है, ये फुल बॉडी पार्ट्स के लिए एक्यूप्रेशर करने के लिए बहुत ही बेस्ट
ट्रीटमेंट है इसके हम एक्सरसाइज करने से उन जो इसमें हमारा लीवर किडनी हमारा हार्ट हमारे लंग्स फेफड़े आंख ये सब इन दोनों हाथों की हथेलियों में इनके पॉइंट है तो इन्हें यहाँ कम से कम दोनों हाथों की हथेलियों को पॉइंटों को 20-20 बार दबाना है तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं इसे आप देख रहे हैं यहाँ से 5-10 बार दबाना है जो पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों फिर ये दूसरा पॉइंट थायराइड के लिए तीसरा पॉइंट हमारी आंतों के लिए ये चौथा कनखी के उंगली के और साइड के उंगली के बीच में ये पांचवा पॉइंट हार्ट के लिए ऐसे ही जगह जगह ये पॉइंट है आग्नाशय यकृत लीवर प्लीहा हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र जो भी हैं ये सारे पॉइंट्स हैं जितना भी हमारा है ऐसे इधर भी हैं तो हमें इन्हें दबाने से दोस्तों बहुत लाभ मिलता है दोस्तों एक पॉइंट बहुत ही मोस्ट कॉमन है जिन हमारे भाई बहनों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है कब्ज की शिकायत रहती है ये पॉइंट बहुत ही लाभदायक होता है ये बिल्कुल 100% जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो इस पॉइंट को जो ये हमारी जो हाथ की यहाँ एक हड्डी होती है ये उठी रहती है इसे हमें एक्सरसाइज करना है दोस्तों ये ऐसे इधर से भी दिखा देता हूं इधर से भी ऐसे या इसे ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों ऐसे करने से भी दोस्तों हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो दूर हो जाती या फिर इस पॉइंट को ऐसे भी दबा सकते हैं दोस्तों ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए 100% लाभदायक होती है दोस्तों जिन्हें कब्ज की शिकायत होती है पेट साफ नहीं रहता है आपका उंगल सड़ा हुआ रहता है तो ये पॉइंट जो है इसे बार बार एक्सरसाइज करने से हमारी कब्ज की समस्या दूर होती है तो दोस्तों पूरे हेल्थ के लिए आप समझ गए होंगे जो मैंने सारे हथेली के पॉइंट बताए हैं इन सब पॉइंट को यहाँ पूरी जो उभार है दोनों हथेले का उभार इन्हें 5 से 5-5 बार 10-10 बार दबाने से हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा हार्ट हमारा लंग्स हमारा लीवर प्रॉब्लम हमारे जो आंतों की प्रॉब्लम ये सारी समस्याएं ठीक होती हैं पूरा शरीर स्वस्थ होता है तो ये मैंने आपको एक्यूप्रेशर पद्धति के बारे में बताया आप एक्यूप्रेशर पद्धति कहीं भी इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सुबह खाली पेट ही करें इसे आप अपने कहीं भी ऑफिस में दुकान पर बैठकर कहीं भी इस पद्धति को आप कर सकते हैं ये दिन में आप कहीं भी किसी भी टाइम ऑफिस में कहीं भी जहां आपको समय मिले इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप खाली पेट ही से करें आप कहीं भी काम करते जब भी आपको समय मिले 5 से 10 मिनट तक के लिए एक्यूप्रेशर करने से पूरे शरीर के जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो मजबूत होता है ये साइंटिफिक प्रूफ है दोस्तों ये आपकी आज एक्यूप्रेशर पद्धति के बारे में जानकारी थी अगर मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।